इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या हुआ? हाँ, रो क्यों रहे हो? अंशु ने मुझे आईना दिखा दिया। मैं क्या करता हूँ, किस लायक हूँ मैं? तो अब ऐसी लाइफ जीकर मैं क्या करूँगा? मानसिक, डर मत, ये कुछ नहीं करेगा। अरे ये कायर है। मेरी क्या गलती है मानसी? गलती तो इस अंजू की है, तो अब मरना भी इसे ही होगा। भाई, प्लीज, मैं आप लोगों के हाथ छोड़ता हूँ। तेरी वजह से छोड़ रहा हूँ, और तू अगली बार पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरे गुर्दे निकाल के बेच दूंगा। क्या चला? दिल करता ना तेरे को लगाऊं खींच के। एक क्यों लेता है उधार जब तू चुका नहीं सकता? अपने लिए थोड़ी लेता हूँ, अपनी जान के लिए लेता हूँ। भाई तेरी जान की जान उसकी सहेली में बसती है, तू क्यों नहीं समझता ये बात? बस कुछ समय की बात है, एक बार मेरी और मानसी की शादी हो जाए ना, फिर दरवाजे पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा दूंगा जिस पे लिखा होगा कि मुसीबत और अंजू खाना सख्त मना है। साले तू कभी नहीं सुधरेगा। आपने अंजू को देखा क्या? आज तेरे भाई की शादी है और तेरे को आज भी अंजू की पड़ी है। माँ, अंजू सिर्फ मेरी दोस्त थोड़ी है, वो तो मेरी बहन जैसी। अच्छा बताओ ना, देखा या नहीं? मैंने उसे ऊपर के कमरे में जाते हुए देखा था। चलो जाओ, भाई की शादी है, जाओ। अंजू, अंजू कहाँ है? अंजू, ज़्यादा चोट लग रही है। इन चोटों को मत देखो, भूल जा। फिर ये अभी हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करें। तुम्हें पता है कितने दिन बाद मिल रही हो तुम हमें? चार दिन 11 घंटे 20 मिनट। तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्यों इतनी तेज बाइक चलाते हो? हाँ, कितनी ज्यादा चोट लग गई है देखो। अरे अब तुम्हारे पास आ गया हूँ ना, ये घाव भी भर जाएंगे। मानसी, अंजू,
जनाब जिंदा है। मानसी तूने तो बोला था कि इनके बाइक का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए शादी में नहीं आए। मैं तो बेवजह ही खुश हो गई। चुप कर अंजू, ऐसे कोई बोलता है क्या? वैसे शहर जाकर बिल्कुल नहीं बदली अंजू, मेंढक की तरह फुदकती रहती, थोड़ा शांति रखा करो। वैसे जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? मेहनत करने वालों की नौकरी हमेशा अच्छी चलती है, परेशानी तो नालायक और निकम्मे लोगों को होती है जिनकी किस्मत में नौकरी ही नहीं होती। क्यों मानसी, सही कहा ना? नहीं अंजू, हर कोई सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं सोचता, कुछ लोग कारोबार के बारे में भी सोचते हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे दूसरों के झूठन चाटने का शौक सबको नहीं होता है। ताली साहिबा। जीजा जी बनने का बड़ा शौक है ना आपको? ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको मेरी एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा? अब मैं भी तो देखूं आप मानसी के लायक हो भी या नहीं। मैं तो मानसी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो अच्छे घर का होगा, अच्छा काम करता होगा और समाज में उसकी इज्जत भी होगी। पर तुम्हें देखकर तो कुछ और ही लगता है। क्या लग रहा है तुम्हें? अब छोड़िए ना, क्यों खुशी वाले दिन अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं? अंजू शुभम, तुम तो जानते हो ना कि उसकी टांग खींचने की आदत है, बस तुम्हारी टांग खींच रही है और कुछ नहीं। हम तो बस टांग खींच रहे, पर बचपन में इनकी मम्मी ने अगर इनके कान खींचे होते ना तो ये जनाब आज कुछ काम कर रहे होते। अच्छा चलना चलना डांस कर। मानसी हाँ तुम जाओ, लेकिन वादा करो तुम कल मुझसे मिल रही हो और पूरा दिन मेरे साथ रहोगी, राइट? बिल्कुल। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। अच्छा सुनो ना, अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ठीक है, ध्यान रखना। वाओ यार, तू इतने सुंदर कपड़े कहाँ से ले लेती है? मैं तो कुछ भी ले लूँ घर आके लगता है क्या ही ले लिया। अरे कुछ नहीं, मुझे तो जो पहली नजर में पसंद आता है ना बस वो उठा लेती हूँ। तब तो जरूर कोई महंगी जगह से कपड़े लेती होगी। अरे नहीं, मैं तो कहीं से भी ले लेती हूँ, और जरूरी थोड़ी अच्छी चीज महंगी है। अच्छा चल ये बता, ये ड्रेस कितने की होगी? यार ये तो काफी महंगी लग रही है, नहीं भी तो 4,000 की तो होगी। 4,000 की नहीं, सिर्फ 2,000 की है। इतनी सस्ती? हाँ। अरे सस्ते कोई बेचता नहीं है, वो तो अपने अनुसार रेट लगवाना पड़ता है। कैसे? थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ी नजाकत दिखा के, बस। शॉपिंग के लिए इतने पैतरे? इतनी होशियार है तू? हाँ। अच्छा अच्छा मानसी एक बात बता, तेरा मन नहीं करता अपनी जिंदगी में कुछ करने का, अपने पैरों पे खड़े होने का? ना बाबा ना, बॉस की डांट कौन सुने, मैं नहीं सुन सकती। तू पागल है, अगर तू अच्छे से काम करेगी तो बॉस की डांट तुझे क्यों पड़ेगी? तू उस बेवकूफ शुभम की बातों में ना मत आया। लो बेवकूफ का नाम लिया, आ गया कॉल। मैं तो भूल ही गई थी, आज मैंने उसके साथ बाहर जाने का वादा किया था, अब क्या करूं? कितना डरती है यार तू, ला फोन दे। हेलो मानसी, कहाँ है? मानसी की तबीयत खराब हो गई है। क्या क्या हुआ मेरी मानसी को? तुम्हारे साथ धूप में घूम घूम के उसका बीपी लो हो गया था, चक्कर खा के गिर गई, और डॉक्टर ने कहा उसे एक और बीमारी हो गई है। बीमारी? कैसी बीमारी? बेवकूफ बनती जा रही है, डॉक्टर का कहना है किसी बेवकूफ के साथ घूमने का नतीजा है। सॉरी शुभम, वो क्या है ना कि माँ ने बहुत ज्यादा काम दे दिए थे इसलिए मैं नहीं आ पाई। पर मानसी तुमने मेरी कसम खाई थी यार। अच्छा कल हम पक्का जाएंगे। अच्छा मानसी एक बार I love you तो बोल दो। तूने छुपाली रिंग नहीं देखी ना? अच्छा चल ये बता, ये रिंग कितने की होगी? 1,000 की तो होगी। अच्छा शुभम सुनो ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर से फोन करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। मानसी मानसी मेरी, क्या हो गया यार? ये मानसी की सहेली अंजू है ना, हर बात में दखल अंदाजी करती है यार। अभी बोल रही थी कि मैं उसे धूप में घुमाता हूँ। मैं भाई एक बात बोलूं, तू ना ऐसी सहेलियों के चक्कर से बच के रही हो, ये लोग अच्छे खासे रिश्तों में दरार डाल देते हैं। उस दिन की बात है यार, फिर ये अंजू अपनी नौकरी करने शहर चली जाएगी और सब ठीक हो जाएगा।
देखकर आज खुश नहीं हो? नहीं नहीं, तुमसे मिलते ही तो मुझे खुशी मिलती है। नहीं मानसी, तुम्हें देखकर तो जनाब खुश हुए, लेकिन मुझे देखकर दुखी हो गए। मानसी, मैं तो ये सोच रही थी गलती से अगर तुम्हारी शादी इनसे हो गई, ये तो हमें मिलने भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, तुम्हारी जैसी सर चढ़ी साली से किसी का पीछा इतनी जल्दी कैसे छूट सकता है? पहले जीजाजी बनने के लायक तो बन जाओ तुम, फिर मुझे साली कहना। अरे मानसी, तुझे याद है बचपन में हम यहाँ कितना आते थे, कितना मजा करते थे ना? अरे हाँ, हम बहुत आइसक्रीम खाते थे ना यहाँ, और तुझे वो याद है हम कबल्स को कितना तंग करते थे? मानसी, मानसी, उसकी बात, मानसी, मैं भी खड़ा हूँ यार। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ जिसे देखकर बहुत खुश हो जाओगे। अरे पर कहाँ लेके जा रहे हो? बस सीधे साथ में ही रहना, सीधे चलते रहो। बस बस बस, थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा। ओके मानसी, आज के बाद ना तुम्हें कभी भी धूप में नहीं घूमना पड़ेगा। मेरे लिए लिए कैसी लगी? अच्छी है। मानसी, आजकल के जमाने में इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, तुम कहां इस खटारे के चक्कर में फंस गई? अरे ये खटारा तो कोई भी ले आएगा। अगर तुमसे प्यार करता तो कोई ढंग की चीज लाता ना, ये खटारा लाके क्या साबित करना चाहता है? अच्छा बस मजाक कर रही हूँ और कुछ नहीं। चलो चलो। मानसी, मानसी, बहुत मजा आया सच में, बहुत ज्यादा। पता, 3 दिनों से इतनी शॉपिंग कर ली ना, कि अपने जिंदगी में मैंने इतना शॉपिंग तो कभी किया ही नहीं था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरे पास पैसे बहुत है। हाँ वो तो है, पर तू इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकती है अगर तू काम करने के लिए तैयार हो जाए तो। तू कहाँ उस लफंगे लड़के के चक्कर में फंस गई है? अरे वो तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। मानसी, क्या हुआ है तुम्हें? मैं 3 दिन से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम उससे बात नहीं करना चाहती? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो जानते हो ना अंजू कितने टाइम बाद आई है, इसीलिए बस। ये अंजू अंजू अंजू, बस करो यार। चलो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ। शुभम, मैं जो भी बात करनी है तुम मेरे सामने भी कर सकते हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, समझी? ओ हेलो, मुझे भी तुमसे बात करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम ना मानसी की सहेली हो, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, ठीक है? मानसी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जानती हो ना? तो बस मुझे लगता है कि अब सही वक्त आ गया है कि हमें हमारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे शादी का आइडिया तो सही है, पर ये तो बताओ तुम काम क्या करते हो?
मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ मैं। मतलब कुछ नहीं करते हो, शक्ल और कपड़े देखकर तो लगता है कि पैसे वाले घर से भी नहीं हो। मतलब ये खटारा भी किसी से उधारी में लेके आए हो? जिस इंसान के पास खटारा खरीदने के पैसे नहीं है वो अपनी बीवी को क्या खुश रखेगा? अंजू, शोभन, तुमने अंजू पे हाथ उठाया? ये उम्मीद नहीं की थी मैंने तुमसे। मानसी, एक नकारा आदमी से तुम उम्मीद भी क्या कर सकती हो, यही है इसकी असलियत। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद मुझ पर या मानसी पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी। चलो मानसी। मानसी, मुझे पता है मेरा शुभम से लड़ना तुझे पसंद नहीं है ना, पर मानसी मैं तेरे बारे में अच्छा सोचती हूँ। मानसी, मैं चाहती हूँ तू जॉब करे, ऑफिस जाए। एक बात बता, तुझे तेरे ऑफिस में बहुत अच्छा लगता है क्या? बहुत ज्यादा। तुझे पता मैं अपने घर से एक रुपए नहीं लेती हूँ, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का मजा ही कुछ और है। और रही बात शादी की, वो तो टाइम आने पे कर ही लेंगे, तब तक अपनी लाइफ अपने तरीके से तो जी ले। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कि मैं जा ही नहीं पाऊंगी, कभी घर से दूर रही नहीं ना। देख मानसी, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है लेकिन टाइम के साथ साथ तुझे खुद एहसास होगा कि तेरा घर छोड़ने का डिसीजन कितना अच्छा था। तुम गुस्से में भी कितनी हसीन दिखती हो ना। मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। इतना गुस्सा हो? शुभम, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम एक लड़की पर हाथ उठा सकते हो। देखो, अगर तुम ऐसे ही नाराज रहोगी ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कैसी बातें करते हो? जान दे दूंगा? अच्छा, मेरे मरने की बात सुनकर दुखी हो गई तुम? ना प्यार करती हो मुझसे? मेरा पता है क्या मन कर रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना तुम्हारे पास भाग के आ जाऊं, तुम्हारे बिना ना एक पल भी जीना। अरे मैं करती हूं, मुझे। किससे बात कर रही हो तुम? एक मिनट जी, ऐसे एक मिनट, मैं बनाती हूँ। मानसी, यार तुमको कितनी बार मैंने बोला है कि जब मुझसे बात करो तो सिर्फ मुझसे बात किया करो। अरे मैं, देखा कैसी बातें करता है, कल मुझ पे हाथ उठाने वाला था और कल को तुझ पे भी हाथ उठा सकता है, इसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि माफी मांग ले। मुझे माफ कर दो अंजू। खुश, ईगो तो देखो इसका। हम ना बाहर जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अरे मानसी, वो तुम्हारा दोस्त आया है, उससे तो मिलती जाओ। आज शुभम ने मेरी बहुत मदद की। जब सिलेंडर खत्म हो गया था मैंने सबसे पूछ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला, तब एक झटके में शुभम ने इसका इंतजाम कर दिया। आते रहा करो बेटा, अच्छा लगता है। मैं तो आ जाऊं आंटी जी, पर कोई है जो नहीं चाहता कि मैं इस घर में आऊं। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूं। ऐसे क्या हुआ बेटा? मैं देखती हूँ। शुभम, शुभम सुनो तो, शुभम क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम आजकल बहुत गुस्सा करने लगे हो। तुम बहुत बदल गई हो मानसी, और ये अंजू ये हमारे बीच आ गई है। और तुम्हें उससे इतनी क्या प्रॉब्लम? वक्त आ गया मानसी, तुमको चुनना होगा, या तो मैं
या पोंजू। शुभम, शुभम सुना तो। मैं बहुत बुरी हूँ अंजू, किसी को प्यार करने लायक नहीं हूँ। बंद कर मानसी अपने आप को दोष देना। अरे तू इतनी पढ़ी लिखी है और एक लड़के के लिए रो रही है, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का? हाँ बोल रही है तू अंजू, मैं अपने प्यार को लेकर दुखी हूँ और तू है कि कुछ भी बोली जा रही है। देख मानसी, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं कल जा रही हूँ, तू चाहे तो मेरे साथ चल सकती है, अपनी जिंदगी बना सकती है, या तो फिर उस नकारे लड़के के साथ रह सकती है, बाकी तेरी मर्जी। मानसी जरा नीचे आना। मानसी बेटा यहाँ आओ। बेटा देखो शुभम क्या कह रहा है। मैंने आंटी जी को सब बता दिया। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी मानसी हमेशा खुश रहे। अब बताओ मानसी, तुम्हारी मर्जी क्या है? अब भाभी मानसी की मर्जी जाननी है तो मुझसे पूछिए ना, मैं जानता हूं। मानसी भी मुझसे शादी करना चाहती है। क्यों मानसी? देख मानसी, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं कल जा रही हूँ, तू चाहे तो मेरे साथ चल सकती है, अपनी जिंदगी बना सकती है, या तो फिर उस नकारे लड़के के साथ रह सकती है, बाकी तेरी मर्जी। माँ मैं काम करना चाहती हूँ। काम करना चाहती है बेटा, लेकिन क्यों? क्या यहाँ तुझे कुछ कमी है? नहीं माँ, यहाँ कोई कमी नहीं है, पर मैं अंजू की तरह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। लेकिन अकेले कैसे करोगी बेटा? अकेले कहाँ हूँ माँ, अंजू है ना मेरे साथ। और अंजू तो नौकरी दिलाने में भी मेरी मदद करेगी। मानसी क्या बोल रही हो तुम? आंटी जी ये जो अंजू है ना, इसने इसका दिमाग खराब करके रखा है, आप ही समझाइए प्लीज। शुभम अंजू ने मेरा कोई दिमाग खराब नहीं कर रखा है, अब सच में वक्त आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने काम पर ध्यान दो। सब कुछ ठीक रहा तो शादी का भी देख लेंगे। बेटा हमने तुझे आज तक किसी चीज के लिए नहीं रोका, अगर यही तेरी मर्जी है, सीन तेरी खुशी है तो यही से। ठीक है बाबू, अपना ख्याल रखो। तुम भी। ये है मेरा घर, थोड़ा छोटा है पर हम दोनों आराम से यहाँ रह सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। मानसी मैंने अपने बॉस से तेरी नौकरी के लिए बात कर ली है, तो जल्दी से तेरा इंटरव्यू भी हो जाएगा। मानसी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तूने अपने लाइफ का डिसीजन एकदम सही लिया। अब अच्छे से काम कर, पैसे कमा, फिर जल्दी से शादी का भी सोच लेना, ठीक है? थैंक यू। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी।
तूने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए ना? हाँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। रुक, मैं देखती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मानसी, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। और यहाँ तुम इसकी बातों में कि मेरी खुद की मर्जी है। शुभम, शुभम तुम जाओ यहाँ से। मानसी, पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा पर अब बहुत हुआ, तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ। अरे शुभम, छोड़ो शुभम, छोड़ो शुभम, छोड़ो, छोड़ो, चलो शुभम। इंसान की जुबान उसकी व्यक्तित्व की असली निशानी है, क्योंकि इंसान के जुबान से जो बात निकलती है या तो वो तीर की तरह छुपती है या फिर फूल की सेज बन जाती है। जहां एक तरफ अंजू के शब्द शुभम को तीर की तरह चुभ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अंजू के शब्दों ने मानसी को आजाद सोच पालने के लिए प्रेरित भी किया था। अंजू सिर्फ अपनी दोस्त मानसी के बारे में सोचती थी, लेकिन शुभम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वो नहीं चाहता था कि मानसी कहीं और जाकर काम करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती, क्योंकि शुभम मानसी को पाना चाहता था और अब वो अपनी सारी हदें पार कर चुका था। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में गुनाह की एक ऐसी दास्तां लेकर आई हूँ जहाँ एक आशिक की जलन दूसरे आशिक से नहीं बल्कि दो दोस्तों की गहरी दोस्ती से है। क्या शुभम अंजू और मानसी की इस मजबूत दोस्ती के सामने झुक जाएगा या फिर आगे चलकर कुछ और ही होने वाला है? आइए देखते हैं। अबे कितनी पिएगा? संजू ने मेरी मानसी को मुझसे छीन लिया। भाई, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अपनी बंदी को संभाल के रख। तो सिर्फ दारू ही पिएगा या अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा है? सोचा है दोस्त, अपनी मानसी को वापस लाने का रास्ता सोचा है। बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? आओ अंदर आओ, आ जा, आ बेटा। जा बहन, पानी लेके। कैसे हुआ बेटा ये सब? उस अंजू की वजह से। अंजू? ये सब इससे? लेकिन ये जो शहर की हवा होती है ना, ये हर इंसान को बदल देती है और मानसी भी बदल जाएगी। तो वहां नौकरी करने लग गई है, उसे कैसे बुलाएंगे? जानते तो हो आजकल के बच्चों को,
आंटी जी आपसे बहुत प्यार करती है, आप एक बार उसे फोन करके बुलाएंगे ना, वो भागी भागी आएगी। बुला कर क्या होगा, वो फिर वापस चली जाएगी। आंटी जी इसकी चिंता मत कीजिए, आप बस उसे फोन करके यहाँ बुला लीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। मानसी बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अपनी माँ को तो भूल ही गई ना तू? कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं तो आपको रोज याद करती हूँ। तो आ जाना अपनी माँ के पास, क्या तेरा दफ्तर तेरी माँ से मिलने की इजाजत नहीं देता? हाँ ऑफिस है, यहाँ पे सब कुछ ऐसे थोड़ी छोड़ के आ सकती हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि तुझे शहर भेजकर मैंने गलती की। तो क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? अब तो लगता है आगे का सारा जीवन तेरे बगैर ही गुजारना पड़ेगा। और अपना ख्याल रखना, ठीक है? क्या हुआ? माँ बहुत परेशान है अंजू, मेरे यहाँ आने से वो अकेला महसूस कर रही है। माँ का दिल ऐसा ही होता है, तुझे जब भी उनकी याद आए चली जाना ना उनसे मिलने। चल अब ज्यादा मत सोच, मानसी जल्दी कर यार, वरना बस छूट जाएगी, फिर बैठी रहना यहाँ पे। हो गया हो गया हो गया, अभी कौन होगा? रुक मैं देखती हूँ, तो जल्दी पैकिंग कर। तुम यहाँ फिर से आ गए? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मानसी से मिल सकता हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी जी ने बताया था कि तुम आ जा रही हो, मैं यहाँ आया हुआ था कुछ काम से, मैं और शंकी, तो सोचा तुम्हें साथ लेकर चलो। मानसी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी सुबह। ठीक है, लेकिन अंजू क्या तुम दोनों मुझे माफ कर पाओगी? हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते, इतना वक्त एक साथ बिताया हमने, उसकी वजह से क्या तुम मुझे माफ कर सकती? हाथ मत छोड़, कोई बात नहीं, हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और अंजू तुम भी हमारे साथ चल सकती? ठीक है। देखो शुभम अभी भी वक्त है, अपने जिंदगी सुधारने की सोचो, कुछ काम करो, पैसे कमाओ, फिर देखना टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अंजू तुम अपनी कंपनी में बात करो ना, क्या पता मेरे लिए कोई नौकरी मिल जाए। वो एक्चुअली शुभम मेरे ऑफिस में तो चपरासी भी ग्रेजुएट है, पर ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक बार जरूर बात करूंगी। शुभम यहाँ पे क्यों गाड़ी रोकी अचानक से? हाँ क्या हो गया तुम्हें, रो क्यों रहे हो? अंजु ने मुझे आईना दिखा दिया, यार सही तो कह रही थी वो, मैं क्या करता हूँ, किस लायक हूँ मैं? हाँ अरे मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो अब ऐसी लाइफ जीकर मैं क्या करूंगा?
नीचे रखो। मानसी तू डर मत, ये कुछ नहीं करेगा। अरे ये कायर है। अंजू की एक बात तो माननी पड़ेगी, वो कहती तो हमेशा ठीक ही है। उसने कहा था ना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मेरी क्या गलती है मानसी? गलती तो इस अंजू की है। ये आई हमारे बीच तो अब मरना भी इसे ही होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शुभा। मानसी क्या कर रहे तू? पागल हो गया? ये लोग इसी लायक थे। मेहनती लड़की थी, काम करना उसे बेहद पसंद था और वक्त के साथ साथ वो कदम से कदम मिलाना चाहती थी। एक सशक्त नारी होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी। वो मानसी को भी आजाद करना चाहती थी, लेकिन शुभम के लिए कामकाज और मेहनत जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते थे। उसकी बस एक ही चाहत थी, मानसी को पाने की, और अंजू के रूप में उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन नजर आती थी। यहां शुभम ने प्यार जैसे एक खूबसूरत एहसास को अपने जुनून की वजह से बर्बाद कर दिया। मानसी और अंजू की इस दोस्ती की वजह से शुभम इस कदर पागल हो गया था कि उसने दोनों की जान ले ली और उसके दिल में जो आग जल रही थी उसे शांत कर दिया। तो क्या शुभम को उसके किए की सजा मिलेगी? आइए देखते हैं। हां जी ठीक, कुछ पता चला बेटा? नहीं मम्मी जी, हंजू के घर वालों को भी कुछ भी नहीं पता है। भगवान, पता नहीं कहाँ होगी ये लड़की। मुझे तो कहा था कि मैं सीधे बस पकड़ के घर आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी। हेलो, क्या? डर मत भाई, मेरे गांव चल देंगे, वहां अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
मानसी की माँ का फोन। भाई तू फोन उठा और हाँ आराम से बात करियो, शक न होने पाए। हेलो, कहाँ है बेटा तू? मैं बाहर आया हुआ था। क्या क्या हुआ? बेटा अंजू और मानसी पर किसी ने हमला कर दिया है और अंजू तो जगह पे ही खत्म हो गई। ये सब कैसे हो गया? और मानसी मानसी कैसी है? मानसी ठीक है लेकिन अभी बेहोश है, बार बार तुम्हारा नाम लेकर बुला रही है। तू जल्दी से आ जा बेटा। जी जी आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ। हाँ बेटा जल्दी से आ जा। अबे क्या हुआ, बोलेगा? मानसी जिंदा है। क्या बात कर रहे हैं भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, हम सब फंस जाएंगे। नहीं मानसी मुझे याद कर रही थी यार, वो मेरा नाम ले रही थी। वो किसी को नहीं बताएगी, वो मुझसे प्यार करती है यार। अरे बेटा आ गया तू, आजा चल जल्दी चल। आंटी जी ये बताइए मानसी कैसी है अभी, और उसने कुछ बताया कि उसके साथ ये सब किसने किया? अरे बेटा वो तो बेहोश पड़ी है, अभी तक उसे होश ही नहीं आया, कब से तेरा नाम ले रही थी। चल मुझे माफ कर दो मानसी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी दुश्मनी संजू से थी और वो अब हमारे बीच नहीं है, अब हम साथ साथ रहेंगे सब कुछ भुलाकर। हशर उसका हुआ था ना, वही तेरा होगा। पकड़ निकालो। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, आपको किसी पर शक है? प्लीज हमें बताइए। मेरी बेटी ने तुझ पर विश्वास किया, तुझसे दोस्ती की और तूने उसको ये सिला दिया, उसे मार डाला। कितना प्यार था दोनों बच्चियों में, सगी बहनों से भी ज्यादा। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसे प्यार से भी किसी को जलन हो सकती है। चलो। कुछ रिश्ते हम जीवन में खुद कमाते हैं और दोस्ती से गहरा रिश्ता कोई नहीं है। दोस्त बनाना तो सब चाहते हैं लेकिन असली और सच्ची दोस्ती तो सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत में आती है। मानसी और अंजू की यह दोस्ती मिसाल देने लायक है लेकिन इस दोस्ती का अंत किसी सबक से कम नहीं है। सबक शुभम जैसे जुनूनी आशिकों के लिए जो अपना प्यार पाने के लिए गुनाह का रास्ता अपनाते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस रास्ते पर चलकर उन्हें कामयाबी कभी हासिल हो ही नहीं सकती। शुभम के आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है इसके बारे में हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। शुभम को अंजू से सिर्फ इस बात से तकलीफ थी कि अंजू हर वक्त अपनी दोस्त मानसी की भलाई चाहती थी। वो चाहती थी कि मानसी अपनी जिंदगी में कुछ करे, कुछ बने,
आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में जुर्म की एक और दास्ता लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।